देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना से डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करनी ही है। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए जो भी श्रमिक यहां आ रहे हैं, उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाना भी तो हम सभी का कर्तव्य है। ये कहना है उन रोडवेज चालकों और परिचालकों का, जो अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर दूसरे प्रांतों से आ रहे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। परिचालक महेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के नाम से ही डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। हम अपने परिवार से दूर होकर बाहर से आ रहे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वह जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी खुशी देखकर अच्छा लगता है। चालक प्रमोद कुमार ने कहा कि घर से दूर रहकर बिना अपने परिवार की चिंता किए हम काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से जहां भी जाने का निर्देश मिलता है, हम वहां बस के साथ निकल पड़ते हैं। लॉकडाउन से जूझ रहे श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाना भी देश सेवा की तरह ही है। हम खड़े हैं इस समय रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं बसों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। जितने भी स्टेशन से लोग आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं स्टेशन पे, वहाँ से ये सरकारी बस के लोग जो हैं, कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो उनको बड़े सेवा भाव से, जैसे जैसे एक सैनिक काम करता है, उस तरह से आज यह देश सेवा में लगे हुए हैं कि उनके चेहरे पे ये खुशी देखना चाहते हैं। जो इतने दूर से लोग चल के आए हैं, कष्ट से सह के आए हैं, उनके चेहरों पर ये खुशी देखने के लिए आतुर रहते हैं। इसको लेकर वह उनके घर तक जाते हैं, उनको लेकर जब वह अपने घर पहुँच जाते हैं तो इनके चेहरे पर ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है। हम जानेंगे भाई साहब से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पासवान। पासवान जी, आप चलाते हैं बस जी, और कहां से कहां तक चलाते हैं, और आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस हो रहा है इस समय? इस समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम लोग SDM साहब के आदेश अनुसार जहां के यात्री मिलते हैं, हम लोग बनाए हुए एटा मैनपुरी और क्या बोलते हैं वहां कासगंज तक गए हैं। कहां का मतलब आप चला रहे हैं, कहां को मिला है आपको जाने का? आज इस समय तो लाइन लगाए हैं, अभी वहां नंबर आएगा तो वहां से मिलेगा, ट्रेन आएगी तो। अभी आप कल भी गए होंगे लेकिन? हां, कल भी गए थे, परसों भी गए थे। जैसे हम निकले थे कासगंज बनाई और एटा की सवारी लेके, तो हम गए थे तो उधर 2-3 दिन पे आज है जी। सर आप बोलिए, सर क्या नाम है आपका? नूरुल्लाह अंसारी। अंसारी जी, इस समय देश सेवा करने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके सारे माताहत जितने भी अधिकारी हैं वो भी आजकल जो है लगे हुए हैं भारत सेवा में? भारत सेवा में डे नाइट 24 घंटा लगे हुए हैं लोग। जब आप पब्लिक को घर पहुंचाते हैं तो आपके चेहरे पे या उनके चेहरे पे क्या देखने को मिलता है? आप देखें, बहुत खुशी मिलता है। हम लोग बाहर से जब लोग आ रहे हैं, लेकर घर हम लोग छोड़ा है, बाहर परेशान है, भूख प्यास से मर रहे हैं लोग, लेकर हम लोग घर छोड़े, घर अपने परिवार में जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। सर आप बताएं, क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार पासवान। पासवान जी, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं आप? हम लोग तो इस समय स्टेशन पर हैं, स्टेशन पर से अब जहाँ SDM साहब के आज्ञा अनुसार हम लोग जाएंगे, जहाँ की सवारी होगी तहाँ आदेश करेंगे, फला नंबर की गाड़ी यहाँ जाएगी तो वहाँ की सवारी बैठा देते हैं लोग, हम लोग लेकर जाते हैं, वहाँ उतारते हैं। सैनिकों की तरह आज पूरे देश को संभालने का काम परिवहन विभाग के यह ड्राइवर और कंडक्टर कर रहे हैं। कोई बीमार है उसका कोई डर नहीं है, उन्हें यह है कि हमारे देश के लोग जो इस समय परेशान हैं वो अपने सही स्थान पे पहुंच सकें और उन सुरक्षित पहुंच जाएं, उसके लिए यह पूरी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। इनको कोई भय भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सतीश शुक्ला, गोरखपुर। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ।